जीवन
महसूस करेंगे कि हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, ये आपको महसूस होगा कि जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनकी हाजिरी यहाँ पर आपको उसकी अनुभूति हो। यही है, आपने बोला यही है सर। हम पूरी गंभीरता के साथ, पूरी शांति के साथ इस चर्चा को, आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, आ रही है, आ रही है। इसका मुंह पलटा लो, उधर ही कर बात है। थोड़ा ये तो आपने सबने महसूस किया होगा, कुछ न कुछ अलग है। ये हमने बराबर दिल से महसूस किया होगा, किसी के कहने से नहीं, अपने आप आपको ऐसी अनुभूति हुई होगी कि यहाँ कुछ थोड़ा अलग है, ऐसा अपने को। आज मैंने इस परिवार के कई सदस्यों के मजाक करते करते कहा, मैंने कहा इधर आइए, वो आए मेरे पास। मैंने कहा कि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। कि क्या? तो मैंने कहा कि आप लोगों की जो अच्छाई है ना, वो हमको घबराहट पैदा करती। ऐसा मैंने कई परिवार के सदस्यों को कहा। तो ये मजाक भी है और एक हकीकत भी, कि यहाँ पर जो एक दिव्यता का, एक प्रेम का, एक आनंद का, एक आत्मीयता का, एक स्नेह का जो वातावरण हमको देखने को मिलता है, वो अपने आप में कुछ थोड़ा अलग है। और हो सकता है कि आप लोग अपने घर में इस वातावरण के लिए नहीं तरसते होंगे, लेकिन मैं मेरे घर में इस वातावरण के लिए तरसता हूँ। तो ये जो वातावरण हमें देखने को मिला, समझने को मिला, अनुभूति अनुभव करने को मिला, इसकी नींव जिस महापुरुष ने रखी इस घर के अंदर, उनका नाम हम सब अच्छी तरह से जानते हैं और हम बहुत प्रेम से, बहुत आदर से, बहुत सम्मान से उनको राम गोपाल दादा के नाम से पुकारते हैं। राम गोपाल दादा का नाम आया नहीं कि हमारे मन में कुछ एक अच्छी सी, एक मीठी सी हलचल शुरू हो जाती है। उस नाम में कुछ इस प्रकार का जादू है। उनके वो आज नहीं है हमारे बीच में, लेकिन फिर भी वो उनका 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 जो सूक्ष्म वजूद है, जो भौतिक वजूद तो नहीं है, भौतिक वजूद तो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनका जो सूक्ष्म वजूद है वो आज भी हमारे बीच में है और आज भी वो हमारे बीच में हलचल पैदा करता है। तो ऐसे राम गोपाल दादा के बारे में जो संस्मरण हम यहाँ पर आप सब लोगों के बीच में शेयर करेंगे, राम गोपाल जी की पुत्रियाँ हैं यहाँ पर, राम गोपाल जी के दामाद हैं यहाँ पर, राम गोपाल जी के भाई भतीजे हैं यहाँ पर, राम गोपाल जी के साले हैं यहाँ पर, राम गोपाल जी के ससुराल के लोग भी यहाँ पर हैं। सब प्रकार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और निश्चित ही सबके मन में
कुछ न कुछ राम गोपाल जी के बारे में और कृष्णकांत जी भी के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि छाया सो काया और काया सो छाया। तो कृष्णकांत जी जो है वास्तव में राम गोपाल जी की छाया है और छाया और काया में कोई फर्क नहीं होता है, छाया सो काया और काया सो छाया। तो वो भी एक अलग अत्यंत उच्च संस्कार वाले व्यक्ति रहे हैं और उनके बारे में भी आप लोग बहुत कुछ याद होगा आपको और आप कुछ कहना चाहेंगे आप ज़रूर कहिए। तो मैं अब ये आज के कार्यक्रम का सिलसिला प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले मैं राधेश्याम जी से अनुरोध करता हूँ कि वे हमारे राम गोपाल दादा के बारे में उनको जो भी चीज़ें जो भी मार्मिक प्रसंग उनके संबंध में उनके दिमाग में हैं वो हम लोगों के साथ शेयर करें और हम उसका लाभ उठाएं और उसको उनको हम समझने की कोशिश करें। राजेश जी देव की भक्त मंडल भगवान की आप ऊपर राघव राम गोपाल दादा हमारे जी लगते हैं, परिवार के सदस्य भी है, उनका व्यक्तित्व कुछ अलग ही है, तेजस्वी मनुष्य के रूप में जाने जाते हैं और उनके पात्रता भगवान ने बनाई है वो भी पूर्व संजोग से बनाई है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो कई पात्र के साथ में अवतार लेते हैं तो वो पात्रता अपने को देखने मिली है। वो सत्संग के जानकार है, सत्संग उत्सुक भाव से कई कलाकों तक सत्संग करते हैं, आध्यात्मिक लय की सत्संग करते हैं तो उनमें बहुत कुछ पाए हैं, लोगों ने भी बहुत कुछ पाया है और घर में भी ये वडिल के रूप में माने जाते थे। रामचंद्र जी उनके बड़े भाई थे फिर भी उनकी मान्यता रखते थे कि भाई इनका जो बोलना है वो उचित है। तो हमारे यहाँ भी आते लिखेड़ा तो कभी कभी मेरे साथ भी बहस हो जाती थी पर एक दो घंटा हम नहीं बोलते उसके, फिर वो चाय लेके जाते सामने तो बोलने लग जाते। तो ऐसी करुणता भी उन्होंने पाई है और मंदिर बनाने में दोनों सालों बहनोई बड़ौदा वाले और हम साथ में मिलकर मंदिर बनाया, आज वो एक धाम के रूप में प्रख्याति हो गई और पिताजी की इच्छा भी थी कि भाई मंदिर बने, इसके लिए निर्माण भी हो गया था जगह का, भाई यहाँ जगह है यहाँ मंदिर बनेगा गुरु जी का। तो मंदिर बन गया, आज वो भी इतने प्रख्याति में हो गया, भाई लिमखेड़ का मंदिर चारों धाम है, चारों धाम में लिमखेड़ का मंदिर उच्च गिनाता है क्योंकि भगवान ने वहाँ से वो पाई थी। गुरु महाराज पहले गुरु महाराज जो राम शंकर भगवान थे तो उन्होंने वहाँ से कीर्ति पाई थी और उनके साथ में साथ के आठ बड़े बड़े भक्त थे, सिर्फ आठ के दस भक्त थे वो लिमखेड़ा से हुए
तो प्रगट मंदिर है वो मजबूत मंदिर है, मतलब शक्तिशाली मंदिर है। आप जो भी गिनो वो सही है, बाकी मैं गिनता हूँ ये शक्तिशाली मंदिर है। फिर तो जनताल में जो उनका रहना है वो भी उचित है ना। झाड़पा भी गोपाल की मर्जी से मंदिर बना है वो भी उचित है, वो भगवान की दया से बना है, और बावड़ी में भक्तों की मर्जी से बना है, बावड़ी में भक्तों की अरस्त से बना है, भगवान नहीं थे अपने प्रत्यक्ष में नहीं थे फिर भी बना मंदिर। तो चारों धाम गिनाते हैं। एक बार हमारे पिताजी ने बोला था कि भाई मारे बदा जोड़े 32 साल जाऊँ छे, तो अपनी रजा हो तो हूँ 32 साल जाऊँ, मारी इच्छा छे। अले शू बोलियो लंजा बाप जी, बोलिया शू बोलियो, पछी फरी बोल दो। तो बोला बाप जी मारे हरिद्वार 32 साल जवानी इच्छा छे। अरे गांडा 32 साल में भी हूँ बैठा छू, अरे जवो तो मारी रजा छे, ताई ताई जाइने आँखों मीची ने देखिए तो मारो सीध देखा सकते नहीं। बाप जी एवं बोलिया। पछी एक दिवस गोमा नदी में बधा बैठा हसे, तो एक भैया पूछू बाप जी तमे सिगरेट पियो छो, तमे घरे घड़ियाल भी पहरो छो, तमे चेन भी रखो छो, विटी भी पहरो छे, तमे अपने सिगरेट भी पियो छो, तो तमने कौन मानसे एवी रीते, गुरु तरीके कौन मानसे? तो के जो भाई हूँ सारू छे के गांजो पीतो नथी, सिगरेट पर चलाई लो छू, गांजो नहीं पीतो, पर तारे नो उत्तर जोतो हो तो फलाना भाई ने तू मर जे, तारे एनो उत्तर मर जैसे। पछे भाई फलाना भाई ने मल्या इने समझायो भाई आ वा लोको कीर्ति वृद्धि चाहता, जग जाहिर बहुत थता नहीं, एमनी पाछळ लोको पड़े એટલે એ એનામાં બહુ રચ્યા બચ્યા નથી રહેતા, એમને કીર્તિ નથી જોતી, એટલે કામ કરીને જવાનું છે એમને બધાને જોડે। તો આવી રીતે રામગોપાલજી બી ઘણી વખતે હું ભરૂચમાં રહેતો તો માતાજી જોડે બી બહેસ થઈ જતી એમની, અને રામગોપાલજી આવતા તો મને અવશ્ય અંદર બોલાવતા, ગોપાલ એ રીતે બોલાવતા અને સાંભળતા, ઘણી વખત ગોપાલજી બહેસ બી કરી લેતા ગોપાલ જોડે, પણ પાછા સમજાવતા, ગોપાલ સમજાવતા અને શાંત કરતા, અને એનો ઉપાય બી મળી જતો। આવું આવું એમના જીવનમાં ચડતી પડતી બધું આવ્યું છે, છતાં બી ધીર ગંભીર સ્વરૂપ વાળા હતા અને જાણકાર હતા। એટલે ભગવાન એવા લોકોને લઈને આવે છે, 11મા અવતારમાં લઈને આવ્યા છે। ઘણા એવા છો માણસો ઘનશ્યામ પ્રભુ જોડે પ્રાર્થ લઈને આવ્યા છે, આપણે સમજતા નથી। ભગવાને બધી સ્તુતિ બી ભણાઈ છે, આરતી બી ભણાઈ છે, 5-7 પદમાં આરતી બની છે, આરતીમાં તમે સમજો, એક એક લીટી સમજો, શું કહેવા માંગે છે, આખું જીવન તમારે ઘડતર થઈ જાય આરતીમાં। અને સ્તુતિ બી એવું છે કે સમજો, જીવન પરિપક્વ ન થાય સ્તુતિ કરવામાં, એ બધું સમજવું પડે, ગાઢ રહસ્ય શોધવું પડે, આપણે એને શું કહે છે આપણે સાયન્સમાં એને કહે છે કે ભાઈ એનો રહસ્ય દેખવું પડે, દવાની શોધખોળ થાય છે તો કેવી રીતે થાય છે, એવી રીતે આનું બી રહસ્ય છે, સમજવું પડે। જો એ રહસ્ય સમજાય તો જીવન આપણું અમર થઈ જાય।
बस आप लोग कह लो विराम दो। आप सबको आवाज बराबर आ रही है? तो अभी आपने राधे श्याम भाई से सुना कि भगवान जब पधारते हैं तो वो अपने कुछ पात्रों को साथ लेकर जाते हैं। वो उनके वो पहले अपने जो साथी पात्र होते हैं उनको पहले संसार में भेजते हैं और फिर वे संसार में आते हैं। तो ऐसे भगवान के साथ रहने वाले पात्र हमारे राम गोपाल दादा थे, जैसा कि राधे श्याम जी ने बताया। राम गोपाल दादा को सत्संग से बहुत लगाव था। वे सत्संग के अलावा कोई दूसरी बात करती नहीं। वो आए, बैठे और बात शुरू की तो वो बात सत्संग ही होती थी। कुछ भी भगवत चर्चा, कुछ भी भगवतीय सिद्धांत, कोई भी आध्यात्मिक सिद्धांत, कोई भी आध्यात्मिक आदर्श, कैसे महापुरुषों का जीवन होता है, कैसा सदगुरु का जीवन होता है, कैसा अपना जीवन होना चाहिए, इस बात की चर्चा करते हैं। इस चीज़ से उनको बहुत बहुत गहरा रस था और इसलिए वे अक्सर भक्तों के यहाँ पर जाया करते हैं। भक्त जो है उनके, जैसे अपन कहते हैं सांचा सगा मारा सदगुरु, ऐसा राम गोपाल दादा के दिमाग में ये था कि सांचा सगा मारा सदगुरु न भक्तों, सदगुरु के जो भक्त हैं वही मेरे सांचा सगे हैं, ऐसा मान करके और वो जाते थे। और ऐसे सत्संग की ऐसी वर्षा होती थी कि कब रात की 10 बजती थी कि 11 बजती थी कि 12 बजती थी कि रात रात पूरी 4 तक बज जाती थी, ऐसा भी होता। तो राम गोपाल दादा का जो एक फेवरेट डेस्टिनेशन था, मतलब जहाँ जाना उनको बहुत पसंद था, वो था रतलाम में डॉक्टर लाल शंकर जी जोशी का। और वास्तव में जो वो तो महापुरुष थे, उनको व्यक्ति की और स्थान की बड़ी पहचान थी। वो जानते थे कि वो जो स्थान है उस स्थान में कुछ एक अलग बात है। और इसीलिए मैं डॉक्टर लाल शंकर जी मैं तो ज़्यादा जानता समझता नहीं हूँ, लेकिन मैं कई लोगों को कहता हूँ कि भाई ये जो घर है ना जोशी जी का, डॉक्टर लाल शंकर जी जोशी का, ये हमारा ऋषिकुल का तीर्थ। इस चीज़ को उन्होंने बहुत गहराई से समझा था राम गोपाल दादा ने, और वो अक्सर जो है वहाँ पर जाकर के काफ़ी समय निकालते थे और खूब सत्संग होता था और खूब चर्चा होती थी। और जब राम गोपाल दादा डॉक्टर जोशी साहब के यहाँ पर मुकाम करते थे तो जैसे जो भूमरे फूल की तरफ आकर्षित होते हैं, इस तरह से रतलाम के भक्त जो है उस घर की तरफ आकर्षित होकर के अभी एक आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, और इस प्रकार से भक्तों का एक छोटा सा जमघट जम जाता था वहाँ पर और खूब सत्संग होता था, खूब आनंद होता। तो उस सत्संग और आनंद का और वो जो जो सत्संग की जो रस वर्षा उस डॉक्टर साहब के निवास में हुई, उसके जो साक्षात भागीदार रहे आ,
राम प्रसाद जी, तो मैं चाहूँगा कि जरूर वो दो चार बातें जो उनको स्मरण में हो, जो उनको ठीक समझे, जो ठीक समझे वो हमें बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। और नहीं तो फिर यदि राम प्रसाद नहीं 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 है कुछ भी आप तो, नहीं तो क्या आप ऑप्शन क्यों दे रहे हो, दूसरा माइक दे दो, दूसरा नहीं से शुरू करते हैं। नहीं से शुरुआत है। आप ऑप्शन मत दो। सदगुरु देव राम गोपाल दादा जो कि सब बता दिए है, निर्मल भाई ने बता देने से आप कुछ बचा ही नहीं। निर्मल भाई ने बताया कि राम गोपाल दादा अक्सर आते थे और रात रात भर सत्संग होते थे, उसमें भजन भी सम्मिलित थे। उनका सबसे प्रिय भजन शायद सीताराम में दृढ़ भक्ति के तथा शुभ लक्षण करते, ये भजन वो हमेशा लगभग उनके मुंह से यही। और पूछते भी थे वो कि इस भजन को आप अपने जीवन में उतारो। और सत्संग पूरी रात भर चलता था, जिसमें सुभाष भाई जी आते थे, लाला भाई जी थे और प्रसाद भी थे, बहुत सारे भक्त आके पूरी रात उनका सत्संग का कार्यक्रम चलता था। कब सोते थे कब उठते थे ये भी नहीं पता। तो भगवान के भक्त में तो भगवान के उसमें बिल्कुल मग्न रहते थे, नहीं समझे इस तरह से प्रभु के अन्य अन्य भक्त जिसे कहते हैं, बहुत ही अन्य अन्य भक्त जो है गोपाल प्रभु के थे, ऐसा मैं मानता हूँ। विराम सदगुरु सदगुरु